नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, ग्वालियर किया गया रेफर। जानकारी के अनुसार मुख्य मार्ग NH 553 पर दबोह कांसी मोड़ पर दोपहर 2 बजे के लगभग एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें खाली ट्रक 10 चक्का जिसका नंबर UP 75 और 4209 लाहार से तीव्र गति से अनियंत्रित होकर आ रहा था, तभी सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल जिसमें टक्कर मारकर ट्रक चालक ने वाहन को मौके स्थल से 500 मीटर की दूरी पर तेज रफ्तार से भगाया, लेकिन पब्लिक के हस्तक्षेप करने पर चालक ट्रक को खड़ा कर भाग गया। फिलहाल पुलिस मौका स्थल पर पहुंची है, घायलों को तत्काल 108 की मदद से लाहार अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले ही एक 10 वर्षीय बालिका को मृत घोषित कर दिया, साथ ही एक महिला की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई और एक व्यक्ति काफी गंभीर रूप से घायल है जिसको ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर मोटरसाइकिल सवार कहां है। घटना लहार थाने के अंतर्गत काकसी चौराहे के आसपास की बताई जा रही है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबर के माध्यम से जो पहचान सकता है ऐसे व्यक्ति लहार पुलिस को सूचना देकर शिनाख्त में मृतक परिवारों की मदद अवश्य करें। लाइव टीवी समाचार के लिए भिंड से आरती शर्मा की रिपोर्ट। जो अभी एक्सीडेंट हुआ है काकसी मोड़ पर, सर उसके बारे में बताना चाहेंगे? काकसी मोड़ पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो बाइक और ट्रक की एक्सीडेंट से हुआ है, दोनों में टक्कर होने से सर उसमें जिसमें एक महिला अनुस्वत खत्म हो गई है, एक बच्ची यहाँ हॉस्पिटल में आके खत्म हो गई है। और सर एक मरीज को भिंड रेफर किया गया? ग्वालियर रेफर किया गया। और सर मौके से ट्रक निकल चुका था? नहीं, वो 500 मीटर दूर पे जाके खड़ा हो गया और उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, आपने तुरंत पहुंचकर यहाँ पर लोगों को लाए और मौके पे पहुंचकर और जो घायल थे उनको हॉस्पिटल लेके आए और बकाया उनको रेफर कर दिया, तो ग्वालियर के लिए रवाना कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।